वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने शनिवार को कहा कि भारतीय वायुसेना ने रक्षा अनुसंधान विकास संगठन अर्थात DRDO के साथ मिलकर पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने के कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है और इसमें छठी पीढ़ी की कुछ क्षमताओं को भी जोड़ा जाएगा। भदौरिया ने कहा कि 8 राफेल विमान भारत पहुँच चुके हैं और 3 इस महीने के अंत तक पहुँचने की उम्मीद है। फ्रांस में भारत के कुछ पायलट प्रशिक्षण हासिल कर रहे हैं और कुछ भारत में ही प्रशिक्षण ले रहे हैं। हमारे पास पायलट कॉकपिट का सही अनुपात है। उन्होंने कहा कि हमारा वर्तमान दृष्टिकोण पांचवी पीढ़ी के विमानों के सभी नवीनतम प्रौद्योगिकी और सेंसर को शामिल करना है। हमने थोड़े विलंब से पांचवी पीढ़ी के विमान पर काम करना शुरू किया है, इसलिए तात्कालीन प्रौद्योगिकी और सेंसर को पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों में शामिल किया जाएगा।